ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है दोस्तों। पहले बात करेंगे MPSW स्टाफ नर्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हरियाणा में क्लर्क की भर्ती के बारे में। तो विज साहब ने क्या कहा ज्वाइनिंग के बारे में, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि नर्सिस, लैब अटेंडेंट, MPSW और अन्य स्टाफ की भर्ती जल्द होने वाली है और उनकी नियुक्ति भी जल्दी करा दी जाएगी। यानी कि भाई आपकी जो ज्वाइनिंग है, ये कहा है कि बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ भर्तियों प्रक्रिया चल रही है और कुछ माननीय न्यायालय में सटे इत्यादि की वजह से अटकी हुई हैं, जैसे कि हरियाणा पुलिस की भर्ती है। ठीक है, तो यानी कि इनके लिए अच्छी न्यूज़ है भाई कि आपकी जो है ज्वाइनिंग इनकी जल्दी होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लर्क के बारे में। तो भाई हुआ क्या है, 20 मार्च के बाद जो भी रिजल्ट आए हैं उसके अंदर किसी को भी टपरीवास के नंबर नहीं दिए गए। ठीक है, तो जैसे फीमेल कांस्टेबल में 15 दिसंबर को रिजल्ट आया था और अब उसका रिजल्ट रिवाइज होगा, तो अब उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि अब उसके अंदर नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी जो है 20 मार्च से पहले आ चुका है और फीमेल कांस्टेबल का भी रिजल्ट 20 मार्च से पहले आ चुका था, तो जब उसमें रिवाइज अब इसमें रिवाइज करेंगे तो इसमें नहीं देंगे, ऐसा चेयरमैन साहब ने कहा कि फीमेल कांस्टेबल में नंबर नहीं मिलेंगे। तो टपरीवास के क्या नंबर HSC क्लर्क में भी नहीं देंगे, क्योंकि ये भी रिजल्ट रिवाइज होना है। वजह कोई भी हो, सिर्फ क्या है, रिजल्ट रिवाइज होना है। ठीक है, वो गलत फॉर्मूले की वजह से रिवाइज होना हो और ये गलत रिवाइज आंसर की वजह से। ठीक है, तो अब इस बात पे कोई कंफर्मेशन तो नहीं है कि टपरीवास के नंबर नहीं मिलेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इतनी पुरानी भर्ती है तो इसके अंदर जो नंबर दे रखे हैं टपरीवास के वो इनको मिलेंगे, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी HSC है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, हो सकता है दे ना दे, उनकी मर्ज़ी है। तो टपरीवास के जो नंबर हैं मुझे लगता है मिलेंगे, और जो भी कैंडिडेट रह गए हैं उन्होंने अपना रोल नंबर नहीं पता तो पुरानी वीडियो में मैंने बता रखा है, और टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक डाल रखा है। तो यहाँ पर जो है लिंक भी डाल रखा है कि आपके पास ID पासवर्ड नहीं है तो आप जो है यहाँ से इसको डायरेक्टली देख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।